जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 3 हिंदी। विषय हिंदी है हमारा। देखिए, हमें इसमें एक गद्यांश आया है जिसको हमने पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम इस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए, ठंड ज़्यादा थी। चीन के महान राजा शैन नांग गर्म पानी पी रहे थे। उसी वक्त उनके कटोरे में कुछ पत्तियां उड़कर गिर गईं। राजा ने देखा कि पत्तियों से पानी का रंग बदलकर भूरा हो रहा है और उससे कमाल की खुशबू आ रही है। शैन नांग से रहा नहीं गया, उन्होंने उसे पीना शुरू किया और मंत्रमुग्ध हो गए। 2737 ईसा पूर्व में राजा शैन नांग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे दुनिया को कितना अमूल्य उपहार देने जा रहे हैं और जो पत्तियां गर्म पानी में गिरी वे कैसे सारी दुनिया को अपना दीवाना बना लेंगी। हिंदुस्तान में चाय को लाने वाले अंग्रेज थे। 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी बीज और चाय की खेती के लिए चीनी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर उनके लिए ऐसा कर पाने वाले काश्तकार खोजे जाने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया खासकर कोरिया, ताइवान और जापान में चाय की मांग बढ़ रही थी। चाय, जो चीन में पहले दवाई के रूप में इस्तेमाल होती थी, वह अब दैनिक उपभोग में शामिल हो गई। जब मांग बढ़ी तो व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे असम में उगाने का फैसला किया और काश्तकारों को बड़े पैमाने पर जमीन देने का ऐलान किया। तब मनीराम बरुआ ने असम में देश का पहला भारतीय चाय बागान लगाया। तो ये गद्यांश हमने पढ़ना है और जब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो इसी गद्यांश में से आपको मिलेंगे। आपको अपने आप कुछ भी नहीं लिखना है, इनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से मिलेंगे। और कोई भी बच्चा पहले प्रश्नों के उत्तर करने शुरू ना करे, पहले ये गद्यांश को पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद ही इनके प्रश्नों के उत्तर हल करें। चीन के राजा शैन नांग किस मौसम में गर्म चाय गर्म पानी पी रहे थे? देखिए, हमारे सबसे पहली लाइन में ही आया है, ठंड ज्यादा थी और महान राजा शैन नांग गर्म पानी पी रहे थे। तो कौन सा मौसम था? ये हमारा मौसम था सर्दी का। तो हम सर्दी पर सही का निशान लगा देंगे। इस प्रसंग को पढ़कर पता चलता है कि चाय की खोज डैश हुई, जानबूझकर हुई, संयोग से हुई, बावर्चियों से हुई या काश्तकारों से हुई। देखो, आपने ये पूरा पढ़ा और इसमें ये बताया गया है कि अचानक ही जो पत्तियां थीं वो गर्म पानी में गिर गई थी, तो संयोग से चाय की खोज हुई। ख, अंग्रेजों द्वारा भारत में चाय की खेती करने का प्रमुख कारण था व्यापार बढ़ाकर मुनाफा कमाना, भारतीय काश्तकारों का शोषण करना, भारतीय काश्तकारों को रोजगार देना, भारतीयों को चाय का स्वाद चखाना। जी नहीं, सबसे पहला है क, व्यापार बढ़ाकर मुनाफा कमाना। अंग्रेज चाय की खेती करके व्यापार करना चाहते थे और लाभ कमाना चाहते थे। चौथा है, गद्यांश के आधार पर असत्य कथन का चयन कीजिए। शुरुआती दिनों में चाय का प्रयोग दवा के रूप में होता था। हाँ, बिल्कुल सही बताया है, इस पैरा में आपने दिया है कि शुरुआती दिनों में चाय का प्रयोग दवा के रूप में होता है। घर घर में लोकप्रिय हो जाने से चाय की मांग बढ़ने लगी। हाँ, चाय को लोग पसंद करने लगे। भारत के दक्षिणी भाग में चाय का पहला बागान लगाया गया। अंग्रेजों ने काश्तकारों को बागान के लिए ज़मीनें प्रदान की।
हाँ अंग्रेजों ने काश्तकारों को जमीनें दी, ये भी सही है। तो हमारा जो ग है, भारत के दक्षिणी भाग में चाय का पहला बागान लगाया गया, ये गलत है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा कि चाय का पहला बागान जो है असम में लगाया गया था। देखिए, तो हमारा इसका आंसर है ग। तो आप ये वर्कशीट दोबारा से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। ये देखिए जो लास्ट की लाइनें हैं, इनमें अधिकतर आपको उत्तर मिलेंगे। चाय को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये रहा। दवाई के रूप में इस्तेमाल किया गया और व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला लिया कि काश्तकारों को बड़े पैमाने पर जमीन दे दी जाए। इसके बाद ये देखिए, मनीराम बरुआ ने असम में देश का पहला भारतीय चाय बागान लगाया। तो सारे ही उत्तर हमें इसी में से मिल जाएंगे और सभी बच्चे इस वर्कशीट को पूरा कर लेंगे। थैंक यू बेटा।